हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर साइंस का सेकंड चैप्टर 10th क्लास का स्टडी करेंगे, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर सुनते ही आप लोग की यादें ताज़ा हुई होंगी, क्योंकि आप लोग बहुत पिछली क्लास में भी आप लोग इसे पढ़ते हो, 7th में पढ़ते हो, 8th में भी पढ़ते हो, ये पढ़ते चले आए हो आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो फिर आप सोच रहे हो कि 10th क्लास में आने के बाद हमें फिर से ये पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं वो हमें डिटेल में नहीं होता, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्लास हमारी बढ़ती चली जाती है, तो जो भी चैप्टर होते हैं उनके मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमें वो जो चैप्टर होते हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक क्लास में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे अब जब हम 10th में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि और भी चीज़ें इसकी देखेंगे। अब तक हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते थे, केवल हम लोग थ्योरी पार्ट देखते थे कि एसिड बेस क्या है, इंडिकेटर क्या है, है ना, लिटमस पेपर, ये सारी चीज़ें, फेनोफ्थलीन, ये सारी चीज़ें देखते थे, लेकिन हमने कभी भी रिएक्शन नहीं देखा था इसका। मुश्किल से एक दो रिएक्शन आया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे केवल और केवल अब केमिकल रिएक्शन ही देखने हैं। एसिड जब किसी से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, बेस जब किसी से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनते हैं। जब एसिड और बेस को आप जानते हो, एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एसिड और बेस में, जैसा कि हमेशा की तरह हम लोग डिफरेंस पढ़ते चले आए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2-3 डिफरेंस पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितने हो सकते हैं, यानी हमारे 10th क्लास के लेवल पे जो हमारा डिफरेंस होना चाहिए उसके लेवल के हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड और फिर क्या बेस, इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एसिड्स आर सॉल्ट इन टेस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हो एसिड जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी कोई भी चीज़ें अगर हम खा रहे हैं वो हमें खट्टी लग रही है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एसिड की मात्रा उसके अंदर है किसी ना किसी फॉर्म में, यानी विटामिन सी जैसे बोल सकते हो आप लोग, है ना। और बेस की बात करें तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, वो कैसा होता है, कड़वा होता है। यानी खाने में कैसा होगा, स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होता है वो हमारा कौन, बेस, ठीक है। तो सेकंड वाले पे देखते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हो, पहला तो बहुत ही सिंपल है, हर जगह आपको मिल जाता है। अब देखते हैं दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये शायद आपको नया लग रहा होगा, दे गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब डिटेल में इसको समझेंगे हम कि H+ आयन है क्या। यानी आप ये याद रखो, आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एसिड होता है उसमें कौन सा आयन क्या होता है, एसिड में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है। तो हमें याद रखना है H+ आयन क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एसिड में कौन सा आयन होता है, H+ आयन प्रेजेंट होता है। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में H+ आयन है, है ना, किसी भी कंपाउंड में अगर H+ आयन है, इसका मतलब क्या है, वो जो हमारा कंपाउंड वो क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है, नेचर क्या होगा उसका, एसिडिक। अगर हम बात करें बेस की, अगर उसमें क्या होगा, OH आयन, क्या होगा, OH आयन अगर प्रेजेंट हुआ किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब लिक्विड में होना चाहिए वो। अब बात करते हैं तो इसमें H+ आयन होगा और इसमें क्या होगा, OH आयन, ठीक है ना, OH आयन पाया जाएगा किसमें, बेस में। अगर बेस है तो उसके अंदर OH आयन जरूर कंपलसरी क्या है, उसमें प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं थर्ड में, तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी एक्चुअली बोला क्या जा रहा है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। अब बात आती है लिटमस की, तो थोड़ा सा डीप चलते हैं इसके बारे में, जानने की कोशिश करते हैं कि लिटमस है क्या, है ना। तो लिटमस में जाने से पहले हम पहले चलेंगे लिचेंस में। लिचेंस क्या है, लिचेंस एक प्रकार का क्या है, पौधा है, है ना। तो उनके फूलों से, उनकी पत्तियों से क्या होता है, अलग अलग कलर के उनके फूल, जो उनके जो फूल होते हैं जनरली, उनसे क्या बनाया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, लिटमस का मिक्सचर बनाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब उस एक्वस मिक्सचर को फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर क्या करता है, उस एक्वस मिक्सचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे कि अगर कलर रेड है तो वो रेड कलर का पेपर बन जाएगा, अगर ब्लू है तो क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने, और वो काम कैसा करेगा, वो लिटमस पेपर जो है, वो लिटमस पेपर काम करेगा एज अ इंडिकेटर। जैसे कि आप लोगों को पढ़ा था इंडिकेटर क्या होता है ना, सूचक, क्या होता है, सूचक।
और ये इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर उसके ऊपर पेपर के ऊपर डाला जा रहा है तो उसके कलर चेंज के अकॉर्डिंग वो उसे बताता है कि कलर कौन सा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है, यानी इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है, वो बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो इसी तरीके से जब हम एसिड को डालते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे तो ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज होता है। आई बात समझ में? तो आपको पता चल गया लिटमस कहाँ से मिलता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये हमें मिलता कहाँ से है, लिचेंस के पौधे से, प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की, तो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर, यानी रेड लिटमस पेपर होगा उसको अगर उसके ऊपर अगर हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, तो वो कौन से कलर में चेंज होगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कोरोजन इज ऑल्सो कॉज बाय द एसिड, है ना। जैसे कोरोजन की बात करें तो वो किसके द्वारा हो जाता है, यानी कोरोजन आप लोग को बताया गया था है ना, संक्षारण, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल की चीजें क्या होती है, खराब लग हो जाती है, उसमें जंग लग जाते हैं, तो ये अगर उसके ऊपर एसिड की मात्रा अगर पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर मेटल कोई भी किसी भी मेटल के ऊपर आप एसिड डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस ऐसा कुछ नहीं करता, यानी बेस के पड़ने से वो खराब नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मेटल की चीजें। और बात करें फिफ्थ में, एसिड सेव अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब बात किसकी, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू एक स्केल होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, नंबरिंग होती है। तो 1 से लेकर, यानी अगर ये क्या होता है, एक स्केल होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कोई भी सॉल्यूशन है ना हमारा एसिडिक है, या जैसे कि थर्मोमीटर हो गया है ना, वो हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है कि हमें बुखार कितने डिग्री तक है ना। इसी तरीके से एक पीएच स्केल होता है, ये आपको किसी सॉल्यूशन के बारे में जानकारी देता है कि वो एसिड है या बेस है। अगर हमारे पास 0 से लेकर 7 तक के बीच में अगर वो नंबर आता है ना, तो वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। और अगर 7 से लेकर 14 तक आता है, इनके बीच में अगर वो नंबर आता है, तो क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, अगर हाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 1 पे, कहां पे, 1 पे अगर है उसका पॉइंट क्या, 1 है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो जैसे जैसे आगे आएगा उसकी एसिडिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। और 7 आप सोच रहे हो तो 7 पे क्या होगा, तो 7 पे ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर जाएगा 14 पे, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है, प्रबल क्षार जिसे बोलते हैं। तो ये स्केल, अगर हमारा एसिड अभी जैसे मैंने बताया 7 से नीचे होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा, और 7 से ज्यादा होगी पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, बेस होगा, और 7 से कम होगी तो क्या होगा, एसिड होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर पे, तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। अब हम बात समझते हैं कि प्रोटॉन है क्या, जो H+ आयंस होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्यों, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है ना, धनात्मक आयन होते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है H+ आयन, तो ये किसी ना किसी इसके पास जाएगा, नेगेटिव आयन के पास जाएगा, तो अगर जा रहा है तो इसीलिए क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर। तो जब H+ आयन जाएगा तो क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या हो गया, एक डोनर हो गया। एसिड क्या होता है, H+ आयन को डोनेट करता है, तो अगर ये डोनेट करता है तो जस्ट इसका उल्टा H+ यानी ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्टर होता है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो रिसीव करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिड आर प्रोटॉन डोनर और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो 7 नंबर पे आते हैं, स्लिमिंग टच, चिपचिपा होगा, टच करने पे कैसा होगा, चिपचिपा होता है ये, ठीक है ना। और हम बात करें अगर बेस की, तो बेस कैसा होता है, शॉप यानी जैसे साबुन होता है ना, उस टाइप से हमें ये लगेगा, कौन, बेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में हम सबसे पहले देखेंगे एसिड में क्या है, एसिटिक एसिड, विनेगर आप लोग सिरका जानते हो, तो उसके अंदर ये एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अगर आप लोगों को कभी चींटी ने काटा हो तो वो जो इंजेक्ट करता है ना एसिड, एक एसिड इंजेक्ट करता है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमारा शरीर में देखो क्या होता है, चींटी के काटने के बाद वो फूल सा जाता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, उस फॉर्मिक एसिड की वजह से। ये किसके डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और सिट्रिक एसिड की बात करें तो जितने भी सिट्रस फूड है, सिट्रस फूड मतलब जितने भी खट्टे वाले फल होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड
जैसे मिल्क हो गया खट्टा हो जाना, खराब हो जाना, तो वो दही बन जाना, मतलब जो दही होती है उसके अंदर जो खट्टापन पाया जाता है ना, वो किसकी वजह से आता है? लैक्टिक एसिड की वजह। इसका मतलब क्या हो गया? जो दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? खट्टा लगता है। और ऑक्सैलिक एसिड, आप लोग पालक खाते हो, स्पिनेच हो गया, तो ये सारी चीजों के अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और टैटरिक एसिड, जैसे इमली हो गई, ठीक है, कच्चे आम हो गए और अंगूर हो गया, ये हमें खट्टा लगता है कभी कभी, है ना, अंगूर तो लगता है ना, कच्चे आम खट्टे लगते हैं, इमली खट्टी लगती है, तो वो खट्टापन किसकी वजह से होता है? टार्टरिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? बेस के क्या है? एग्जाम्पल है, आप लोग देख रहे होंगे। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी OH बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखो OH प्लस यहाँ पे आ रहा है ना, और कोई भी आप इसमें भी लिखोगे तो उसमें क्या पाया जाएगा? H प्लस आयन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका क्या होता है? एसिड और बेस का क्या होता है? पूरा का पूरा डिफरेंस यहाँ पे है। अगर कोई कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज इसमें पूछिएगा। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में कुछ इंडिकेटर के बारे में और भी जानकारी दी जाएगी, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।